हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जो कभी सोचा नहीं था वही हुआ, डंकी वर्सेस सालार। नाउ दिस इज द रियल डील मैन, दिस इज द बिगेस्ट क्लैश एवर, बिगेस्ट फाइट एवर, जो आगे आने वाले 10 सालों तक याद रखा जाएगा डेफिनेटली। क्योंकि एक तरफ है किंग जंगल का राजा शेर, जिसकी फॉर्म अभी सॉलिड चल रही है, तो दूसरी तरफ है डायनासोर, जो कमबैक के लिए जैसे ना तैसे मौका ढूंढ रहा है लगातार। भाई साहब सच में तबाही देखने को मिलने वाली है और हाउसफुल के मंजर लगातार देखने को मिलने वाले हैं आगे आने वाले 2 महीने में, इट मीन्स दिसंबर में। थिएटर्स वालों की हालत ख़राब होने वाली है फिर से, एक ही टाइम पर 2 जगह खचाखच क्राउड देखने को मिलने वाला है। जी दोस्तों, डंकी जो पहले कंफर्म नहीं थी कि रिलीज डेट आनी है इसकी, पर जवान की सेलिब्रेशन पार्टी में एसआरके ने खुद अपने मुंह से डिलीवर कर दिया था कि 22 दिसंबर को डंकी को सिनेमाघर में उतार दिया जाएगा। और यह न्यूज करीबन 7 से 8 दिन पहले रिवील हुई थी और तब से बॉलीवुड सिनेमा में अलग लेवल की आग लगी पड़ी है। बड़े बड़े अजम्पशन सेट किए जा रहे थे कि डंकी अब 2000 करोड़ कमा के ले जाएगी, क्योंकि जवान का जो सक्सेस है, जवान की जो ग्लोरी है, सीधा अजम्पशन, सीधा प्रिडिक्शन बनता है कि यस डंकी को बूस्टर मिलेगा और जबरदस्त बूस्टर मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। तो ये वो वगैरह वगैरह ढेर सारी कैलकुलेशंस करी जा रही थी कि इतनी कमाई करेगी, उतनी कमाई करेगी। फैंस में अलग खुशी देखने को मिल रही थी एसआरकेएंस में। लेकिन जब ये सारी चीजें चल रही थी, तब द मास्टरमाइंड अनफियरफुल प्रशांत नील कुछ सॉलिड प्लान कर रहे थे। इस बंदे के दिमाग में खुरापात ही चल रही थी और वो खुरापात हमें कल देखने को मिल गई। और मैं कहूंगा उस बेइज्जती का बदला लेने की सोच रहे थे। कौन सी? जब 28 सितंबर को सालार रिलीज होनी थी लेकिन कुछ कारण से पोस्टपोन करना पड़ा मूवी को, तब एसआर के फैंस ने, बहुत लोगों ने कहा था कि जबरदस्त बेइज्जती करी थी, जबरदस्त मजाक उड़ाया था प्रशांत नील की, ये डर गया जवान की ग्लोरी से, ये वो वगैरह, डायनासोर डर गया शेर की धार से। नो डाउट जंगल का किंग शेर है, लेकिन डायनासोर एकमात्र ऐसा जानवर है जो इस शेर के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा रहता है। जी दोस्तों, प्रशांत नील सिर्फ दिसंबर में मूवी नहीं ला रहे हैं, बल्कि सेम डेट डंकी जिस दिन आ रही है उस दिन अपनी मोस्ट मच अवेटेड मूवी सालार को ला रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। भाई साहब, कल जब से ये न्यूज रिवील हुई है इंडियन सिनेमा में, तबाही मची पड़ी है। और ये तबाही अब दिसंबर में कैसे सुनामी बन के फटने वाला है, इसका इमेजिन कोई कर ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ कोई प्रिडिक्शन ही नहीं कर सकता, जितनी सी बड़ी से बड़ी प्रिडिक्शन कर लो, लेकिन जब रिजल्ट हमारे सामने आएंगे, जब डेटा, असली रियल वाले डेटा जो हमारे सामने आएंगे, तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि ऐसा मंजर भी हो गया। क्योंकि एक बार के लिए हाइप उधर ज़्यादा रहेगी, फिर दूसरी तरफ हाइप ज़्यादा रहेगी, तो ये ऑड इवन का जो सिनेरियो चलेगा, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, जबरदस्त चलेगा, कंपटीशन धमाकेदार होने वाला है। तो ये सब सोच कर ना अभी से गूजबम्स उठ रहे हैं, बाय गॉड कि क्या होने वाला है यार। दोनों ही फिल्में, इतनी जबरदस्त फिल्में एक साथ टक्कर ले रही हैं, मतलब एक ही दिन रिलीज हो रही हैं, और आमने सामने की जो टक्कर होने वाली है, किसके फेवर में जाने वाली है कहानी, ये चीज ना सोच के अभी से गूजबम्स उठ रहे हैं, क्योंकि कोई प्रिडिक्शन ही नहीं हो रहा है। शाहरुख खान अगर देखें तो अभी बैक टू बैक 2 फिल्में दे चुके हैं और कोई लग ही नहीं रहा है कि तीसरी मूवी इनकी फ्लॉप जाएगी या कोई कमाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि जवान 1000 करोड़ कमा के ले जा चुकी है। तो सीधा सीधा बन रहा है कि यस ये भी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ सालार को देखें, प्रभास को देखें, तो ये बंदा कहाँ मात खाने वाला है। हालांकि आदि पुरुष आई, उसके बाद भी जो फैन फॉलोइंग है क्या कम हुई? बिल्कुल कम नहीं हुई, फैन फॉलोइंग सॉलिड है, अमेजिंग है, अभी भी लोग उतना ही वेट कर रहे हैं जितना उस आदि पुरुष मूवी का वेट कर रहे थे, उससे ज़्यादा अब सालार का वेट कर रहे हैं। हालांकि आदि पुरुष पिट गई थी, लेकिन इसके बाद भी सालार मूवी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है फैंस के द्वारा। देखो, आफ्टर पठान और जवान एसआरके की फैन फॉलोइंग हो चुकी है अब सॉलिड, अमेजिंग हो चुकी है। और दूसरा, डंकी के साथ डायरेक्टर राजकुमार हिरानी का जो नाम जोड़ रहा है, तो नो डाउट डंकी को बूस्टर और एडवांटेज मिलना ही मिलना है। दूसरी तरफ सालार क्या पिट जाएगी? किसी भी हालत में नहीं पटेगी, किसका बाप नहीं पीट पाएगा सालार को, मैं कह रहा हूँ। बाय गॉड, ये मूवी उतना ही बवाल काट कर जाएगी जितना कि सभी ने उम्मीद कर रखी थी पहले से ही। लेकिन मैं एक बात बताऊँ तो 28 सितंबर सालार के लिए बेस्ट एवर टाइम था एक तरफा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने के लिए, क्योंकि इस टाइम जबरदस्त 4 से 5 दिन का वीकेंड मिलने वाला था इस मूवी को। लेकिन अब जब डंकी के सामने मूवी रिलीज करी जा रही है, देखो आप प्रभास ही क्यों ना हो, इवन केजीएफ यूनिवर्स के किंग प्रशांत नील ही क्यों ना हो, भाई साहब नुकसान तो तुम्हें भी उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि सामने ऐसा वैसा बंदा नहीं है, सामने ऐसा बंदा है जिसकी 2 सक्सेसफुल ग्लोरी बैक टू बैक सिनेमाघर में दहाड़ मार रही हैं, और जब लक बिल्कुल इनके साथ चल रहा है शाहरुख खान, मैं कहूँ एक बार तो, क्योंकि 4 साल के बाद ये बंदा जो सॉलिड तबाही मचा रहा है वो हमें दिख रहा है। भाई गो, तो दूसरा ये तय है ही कि घाटा दोनों को ही होने वाला है। जो उम्मीद करी जा रही थी कि दोनों फिल्मों
से लाइक एक एग्जांपल सेट पर लेते हैं कि 1500 करोड़ ये मान लीजिए जाए ले जाएंगी दोनों मूवी, बट वो नंबर अब 1200 या 1300 करोड़ में देखने को मिलेगा, या इवन मैं कह रहा हूँ 1000 करोड़ में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से कोई किसी का पल्ला हल्का नहीं है, दोनों ही पल्ले भारी हैं, दोनों ही जबरदस्त हैं। इसी के साथ मैं कहूँगा दोनों फैमिली फ्रेंडली मूवी हैं, एक का कंटेंट सुपर मासी एंड एक्शन है तो दूसरा फैमिली कंटेंट ड्रामा पर बेस है, तो फैमिली वाली ऑडियंस इजीली चॉइस करके जाएगी कि उन्हें कौन सी फिल्म देखनी है। अब आते हैं सबसे बड़ी जंग साउथ बेल्ट और नॉर्थ बेल्ट की, तो दोनों में किसका कितना कब्जा रहेगा। देखो एसआर के इस बार साउथ में उतनी पकड़ नहीं बना पाएंगे ये तो है, लेकिन सालार हिंदी बेल्ट में पकड़ बना लेगी। हाँ उतनी नहीं बना पाएगी, पर हिंदी बेल्ट से जितनी कलेक्शन इस मूवी को करनी थी उसका 50-60% सालार कमा कर ले जाएगी, और साउथ बेल्ट में प्रभास का ही कब्जा रहने वाला है नो डाउट, क्योंकि साउथ बेल्ट की ऑडियंस रीजनल मूवी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, ये हम सब पहले ही देख चुके आ चुके हैं। दोनों मूवी का असली कॉम्पिटिशन सिर्फ हिंदी बेल्ट में देखने को मिल पाएगा, लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ तो पठान और जवान की सक्सेस के बाद शाहरुख खान को यहाँ पर मोस्ट ऑफ टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी डंकी को ही, फैमिली के द्वारा, फैमिली ऑडियंस के द्वारा, क्योंकि साथ में राजकुमार हिरानी का जो ये नाम जुड़ रहा है ना डायरेक्टर का, भाई तब जबरदस्त है ये, क्योंकि फैमिली फ्रेंडली मूवी बनाएंगे ये और फैमिली वाली ऑडियंस प्रायोरिटी इसी को ही देने वाली है। पर ऐसा नहीं है कि प्रभास को नहीं मिलेगा रिस्पॉन्स, जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा नो डाउट। अब आते हैं फाइनल टॉक पर, मेन मुद्दे की असली बात पर कि दोनों में से ज्यादा कमाई कौन सी मूवी करके ले जाने वाली है। तो सारे फैक्ट, सारी एक एक चीज मैंने आपको ऊपर बता ही दी है, तो उससे साफ ये पता लग रहा है या फिर सीधा अजम्पशन दिख रहा है, मैं बताऊं तो सालार यहां पर ज्यादा कमाई करके ले जाने वाली है डंकी के सामने। डंकी एक बार के लिए, ऐसा नहीं है कि डंकी पूरा पीछे रह जाएगी, बिल्कुल नहीं, 18-20 का अंतर दिखने को मिलेगा, 17-20 का अंतर देखने को मिलेगा। लाइक अगर सालार 1500 ले जाती है तो डंकी 1200-1300 करोड़ मार ले जाएगी। खैर ये मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा अजम्पशन है, आप लोगों की क्या राय है कि कौन सी मूवी यहां पर जबरदस्त कमाई करके ले जाने वाली है, क्या सालार बीट डाउन कर देगी डंकी को या डंकी बीट डाउन कर देगी सालार को, आपकी क्या राय है कौन सी मूवी ज्यादा कमाई करके ले जाएगी। दूसरा, क्या बॉलीवुड इस बार साउथ इंडस्ट्री के सामने टिक पाएगा, क्या लगता है आपको, ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। तीसरा, पहले आप कौन सी मूवी देखने वाले हैं, डंकी या फिर सालार। मैं अपना बताऊं तो मैं पहले डंकी देखूंगा फिर सालार देखूंगा, और एक ही दिन में देखूंगा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, क्योंकि मैं दोनों मूवी के लिए जबरदस्त तरीके से वेट कर रहा हूं और बेसब्री से वेट कर रहा हूं। मेरे लिए दोनों फिल्में इक्वल हैं, मैं दोनों मूवी को 100% की रेटिंग दूंगा अपनी तरफ से, और जो भी आपकी राय है नीचे आप अपना कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना कि आप कौन सी मूवी पहले देखने वाले हैं और कौन सी मूवी ज़्यादा कमाई करके जाने वाली है आपकी नज़रों में, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रूवी और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।